हेलो गाइस, iOS 15.7.1 फाइनली एप्पल की तरफ से हम सभी को एक और न्यू अपडेट देखने को मिल चुका है अपने आईफोन 6s 7 8 सभी डिवाइस के लिए। बेसिकली ये अपडेट गाइस आपको आईफोन 6s से लेकर जितने भी अबव डिवाइस हैं उनके अंदर देखने को मिला है। एंड ये गाइस मैं जो अपने आईफोन 6s यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसको ऑलरेडी अपडेट कर लिया है। देने वाला हूँ आपको फाइनल रिव्यू iOS 15.7.1 के ऊपर, क्या गाइस इसमें आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, क्या गाइस आपको अपडेट करना चाहिए और क्या क्या इसमें आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि गाइस एप्पल ने अभी तक आपको आईफोन 6s के अंदर इस तरीके के अपडेट रोल आउट करा है, जो कि बहुत सही चीज़ है। क्योंकि उससे इसका जो लास्ट अपडेट था मुझे लगा iOS 15.7 ही होगा, बट फिर से गाइस आप लोगों को एप्पल की तरफ से एक और न्यू अपडेट देखने को मिला है। तो मैं आपको बताता हूँ गाइस इसमें क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। एंड गाइस मैंने जो इसको ऑलरेडी 4 दिन पहले ही अपडेट कर लिया था अपने आईफोन 6s में, एंड लगभग गाइस मेरे को 4 दिन हो चुके हैं मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अपने आईफोन 6s में। देखते हैं गाइस यहाँ पे आपको क्या क्या गाइस यहाँ पे आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे एंड मेरे को क्या इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को गाइस आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले प्लीज़ मेक श्योर कर लें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं। एंड यस गाइस प्लीज़ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहाँ पे बेल आइकन को हिट कर दें ऑल पे, मैं क्योंकि वीडियो इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपको आईफोन से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी, यूजफुल वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं गाइस यहाँ पे मेन टॉपिक की तरफ, आपको बताते हैं। नंबर गाइस यहाँ पे आपको बताऊँ इसका अपडेट जो साइज है वो आपको अपडेट साइज मिलेगा यहाँ पे 620 MB कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो कि कुछ खास ज़्यादा नहीं है। एक चीज़ गाइस आप पूछ रहे थे कि यहाँ पे हम जो अपडेट करने जाते हैं हमारा यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन शो नहीं करता है, तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूँ अपडेट का ऑप्शन जो है आपको ये आपके मोबाइल डाटा पे कभी नहीं करेगा। तो प्लीज़ आप जो है अपडेट करना चाहते हैं अपने iOS वर्जन को तो आपको अपने आईफोन को मेक श्योर कर लेना है कि किसी वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। अदरवाइज़ अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप कोशिश करें किसी का जो है एंड्रॉयड डिवाइस का होस्टपोर्ट कनेक्ट करें, तभी गाइस ये आपका जो है डाउनलोड एंड इंस्टॉल का बटन एक्टिवेट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है क्योंकि आप मेरे से कॉमेंट्स में पूछ रहे थे। अपडेट साइज गाइस आपका जो है इसका 620 MB होगा, जो कि कुछ खास नहीं है। एंड गाइस अगर बात करें इसकी स्टोरेज की, अवेलेबल स्टोरेज कितने मिलेगी, तो गाइस यहाँ पे मेरे को जो है 400 MB की जो मेरी स्टोरेज है वो कम हुई है। यानी कि दोस्तों आपको थोड़ा सा स्टोरेज का गाइस यहाँ पे गाइस आपकी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, वो आप देख लेना। बाकी इसकी जो इस मॉडर्न फर्मवेयर की बात करें तो वो गाइस सेम है, इसमें गाइस वो कुछ खास दिखाने वाली नहीं है। मॉडर्न फर्मवेयर तो गाइस आपको पता ही, वो तो थोड़ी मोड़ी चेंजेस होते हैं, वो गाइस यहाँ पे मैटर नहीं करती है। मैटर करती है आपको इसके ऊपर क्या क्या गाइस आपको बग्स या फिर गाइस कहने क्या इसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिली वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस यहाँ पे मैंने सबसे बड़ी चीज़ नोटिस किया कि मेरी जो बैटरी है वो गाइस सबसे पहले फिक्स आउट हुई है। बैटरी कहने का मतलब ये है कि गाइस यहाँ पे जो मेरी बैटरी है मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर तक मैं एप्लीकेशंस एंड फोन को यूज़ करता हूँ, तो मेरी जो बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम थी वो ऑटोमेटिक सी गाइस पहले बहुत जल्दी मेरी ड्रेन हो जाती थी। लगभग गाइस यहाँ पे मेरे को कुछ 30% इफेक्ट देखने को मिला है कि यहाँ पे जो मेरी बैटरी है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो रही है पहले के मुकाबले। गाइस यहाँ पे मैं 3-4 घंटे ज़्यादातर यूज़ कर रहा हूँ डिवाइस, फिर भी मेरी जो बैटरी है उस हिसाब से ड्रेन नहीं हो रही जैसे पहले हो रही थी। तो ये गाइस मेरे को बहुत सही चीज़ लगी कि बैटरी में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। वैसे गाइस इस अपडेट के अंदर आपको इन्होंने साफ साफ बताया कि हम जो है सिक्योरिटी को गाइस यहाँ पे अपडेट कराया, यानी कि दोस्तों सिक्योरिटी के चलते ये वाला अपडेट लाया गया एप्पल की तरफ से, तो गाइस इन्होंने यही बताया है। और मैं आपको बता देता हूँ इसमें गाइस आपको जो स्मूथनेस, यानी दोस्तों आपकी जो स्मूथनेस है एप्लीकेशन की, वो भी गाइस आपको काफ़ी हद तक बढ़िया देखने को मिल जाने वाली है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो मेरी जो एप्लीकेशन थी, कुछ एप्लीकेशन जो है यहाँ पे सही से वर्क नहीं करी थी, ऑटोमेटिक स्टक हो जा रही थी या फिर गाइस यहाँ पे जो सही से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही थी, तो वो भी वो गाइस फिक्स आउट हो गई हैं इस अपडेट के बाद। तो मैंने ये भी चीज़ नोटिस की है एंड ये एप्लीकेशन गाइस यहाँ पे स्मूथनेस आपकी बहुत ही बढ़िया कर देगा। रही बात गाइस यहाँ पे बैटरी का, जो आपको सबसे बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा, बैटरी जिनकी ज़्यादा जल्दी ड्रॉप हो रही है वो गाइस ये डेफिनेटली अपडेट को कर सकते हैं। एंड यहाँ पे गाइस आपको एक जो हीटिंग प्रॉब्लम हुआ करती थी, एक अगर आप गेमिंग करते हैं या फिर गाइस यूट्यूब या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने आईफोन्स को, तो किस दिनों पहले मेरे को यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने को मिली थी कि जो आपका हीटिंग जो था वो गाइस ओवर हीट कर जाता था आईफोन। हालांकि गाइस यहाँ पे अभी जो सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो हो सकता है कि अभी के टाइम जो है इतना ओवरहीट ना करे, बट गाइस यहाँ पे पहले के मुकाबले आपकी जो ओवरहीटिंग प्रॉब्लम थी वो भी गाइस यहाँ पे फिक्स आउट हुई है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे iOS 15.7.1 में ही मेरे को ये चीज़ देखने को मिली। पहले गाइस मैं यूज़ कर रहा था, मेरा ओवरहीट बहुत ज़्यादा फोन करता था, यदि मैं 1 घंटा यूट्यूब देख लेता था तो गाइस यहाँ पे मेरा जो फोन है बहुत ज़्यादा हीट कर जाता था। यदि मैं गेम कर लेता था फ्री फायर या फिर गाइस यहाँ पे पबजी अभी बीच में वगैरह कुछ भी खेलता था, तो मेरी गाइस यहाँ पे जो बैटरी है वो बहुत ही जल्दी और साथ में दोस्तों मेरी हीटिंग जो थी बहुत ही ज़्यादा हो जाती थी, तो वो गाइस यहाँ पे फिक्स आउट हुई है मेरे को लगता है इस डिवाइस में इस अपडेट के बाद। ठीक है, तो चलो गाइस यहाँ पे आपको ये जो मैंने चीज़ें बता दी हैं, अब गाइस यहाँ पे आपको बता देता हूँ इसमें गाइस क्या आपको अपडेट करना चाहिए। तो यहाँ पे गाइस उन्होंने साफ साफ बताया कि जो अपडेट है यहाँ पे सिक्योरिटी को देखते हुए किया गया है ये अपडेट, आप देख लो। यानी कि दोस्तों आपको जो सिक्योरिटी इन्होंने गाइस यहाँ पे बताया, तो गाइस आपको सिक्योरिटी जब गाइस कोई एप्पल जो है कभी भी कोई सिक्योरिटी के ऊपर कोई अपडेट लाता है तो वो आपको अपडेट डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें जो आपकी बैंकिंग या गाइस कुछ भी है वो गाइस सिक्योर हो जाती हैं। एंड ये गाइस आपको पता है कि एप्पल के ऊपर गाइस यहाँ पे सिक्योरिटी को ही सबसे बढ़िया
बढ़िया माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है सिक्योरिटी कंटेंट ऑफ एप्पल सॉफ्टवेयर अपडेट्स। ओके, तो ये गाइस उन्होंने बताया, यहाँ पे जाओगे तो आप पूरी डिटेल के साथ पढ़ लेना। तो इसलिए गाइस आपको जो ये अपडेट डेफिनेटली करना चाहिए। यदि गाइस आपको जो बैटरी इशूज़ हैं अपने आईफोन्स में एंड यहाँ पे हीटिंग प्रॉब्लम्स हैं, स्मूथनेस खराब है, या फिर गाइस यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन क्रैश वगैरह होती हैं, तो आपको ये अपडेट डेफिनेटली करना चाहिए। और ये की है गाइस यहाँ पे ISP.7.1, क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लगा मुझे अपडेट, डेफिनेटली करें गाइस। ये अपडेट मैंने आपको जो कि डिटेल में बता दिया, बाकी गाइस यहाँ पे मैं 4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होगी मेरी। और यहाँ पे गेम वगैरह करते तो आप बिंदास करें, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो बैटरी ड्रेनिंग थी और हीटिंग थी वो भी यहाँ पे फिक्स आउट हो जाएगी। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।